Good morning, everyone. This is the sum we will do now. We have started with liquidation of companies, and we have done one sum. Now we will do this sum in front of your screen. A liquidator is entitled to receive remuneration at 2% on the assets realized. मतलब लिक्विडेटर हु इज लिक्विडेटर लिक्विडेटर इज एन ऑफिसर हु इज एंटाइट हु इज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन सो लिक्विडेशन के प्रोसेस में ध्यान देने के लिए उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड सो इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन ऑफ 2% ऑन द असेट रियलाइज मतलब वो जितने भी असेट्स को सेल करेगा जितना भी असेट सेल होगा रियलाइज होगा उसके ऊपर द लिक्विडेटर विल गेट 2% कमीशन जितना भी असेट सेल किया एवरी असेट सेल के ऊपर ही विल गेट 2% कमीशन एंड 3% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किया उसके ऊपर 3% कमीशन मिलेगा एंड 3% ऑन द पेमेंट मेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो पे किया उसके ऊपर भी 3% कमीशन मिलेगा The assets were realized for rupees 45 lakh. मतलब 45 lakh का assets को sell किया. इसके ऊपर कितना commission है? Asset realized के ऊपर 2% commission है. Asset realized के ऊपर 2% commission है. So that he will get asset realized के ऊपर 45 lakh के ऊपर 2% commission मिलेगा. 45 लाख है ना असेट रियलाइज उसके ऊपर कितना कमीशन है लिक्विडेटर को 2% एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के ऊपर 3% क्रेडिटर एंड अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो उस पर भी दिस लिक्विडेटर इज एंटाइटल टू गेट अ कमीशन ऑफ 3% ईच देन दे से दैट Against which the assets were realized for rupees 45 lakh. मतलब 45 lakh हमें assets बेच के पैसा मिला. Against which payment was made as follows. Liquidation expenses. Liquidation expenses means what? To conduct the process, liquidation process. कुछ खर्चे assets को बेचने के लिए. लाइबिलिटीज को पेमेंट करते वक्त देर वेर सम एक्सपेंसेस विच इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000 ये भी पे करना पड़ेगा सिक्योर क्रेडिटर्स कितना है 15 लाख सिक्योर क्रेडिटर्स के ऊपर कोई कमीशन नहीं है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 1,25,000 उसके ऊपर 3% का कमीशन मिलेगा लिक्विडेटर को एंड द अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स वॉज 15 लाख अनसिक्योर क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है 15 लाख यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द टोटल रेमुनरेशन पेएबल टू लिक्विडेटर Calculation shall be made to the nearest multiple of a rupee. Okay. So, हमें क्या find out करना है? We have to find out the liquidator's remuneration. So, calculation of remuneration payable to लिक्विडेटर को कितना कमीशन मिलेगा हमें वो फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले असेट रियलाइज के ऊपर पैसा मिलने वाला है कितना अमाउंट है असेट रियलाइज के ऊपर कितना कमीशन है 2% ऑन 2% कितना 2% ऑन असेट रियलाइज तो असेट जितना भी
सेल होगा उसके ऊपर कितना 2% कमीशन है, तो असेट सेल हुआ 45 लाख, जिसके ऊपर 2% का कमीशन मिलेगा लिक्विडेटर को, तो कितना अमाउंट होता है फाइंड आउट, 2% ऑफ 45 लाख इज 90,000, तो असेट रियलाइज के ऊपर लिक्विडेटर इज गेटिंग 90,000। फिर उसके बाद 3% है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर, 3% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के ऊपर। सो लेट अस सी हाउ मच इट इज कमिंग टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर। सो हियर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 1,25,000, उसके ऊपर 3%, देखो 1,25,000 के ऊपर 3% इज हाउ मच, इट इज 3,750। गेटिंग दिस आंसर 3,750, मतलब लिक्विडेटर को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के ऊपर इतना पैसा, अब लास्टली उसको 3% मिलने वाला है ऑन व्हाट, ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सो ये निकालने के लिए वी विल गो टू द वर्किंग नोट, व्हाई आई विल टेल यू व्हाई वी आर गोइंग टू द वर्किंग नोट। तो यहाँ पे असेट रियलाइज्ड मतलब कितना असेट से पैसा मिला, 45 लाख, असेट्स को बेचा तो पैसा मिला 45 लाख। अब ये 45 लाख में ही लिक्विडेटर को सारा खर्चा मैनेज करना है, ये 45 लाख जो मिला असेट को रियलाइज करके उसके ऊपर ही पूरा खर्चा देखना है लिक्विडेटर को। तो 45 लाख में से लेस पेमेंट्स, तो पेमेंट्स करते वक्त क्या है, देर इज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, क्या क्या पेमेंट्स है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इज 50,000, ये पे करना है लिक्विडेटर को। फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे करना है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इज 15 लाख, ये 45 लाख में से ही सब कुछ पे होना चाहिए। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे करना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इज 1,25,000। फिर क्या पे करना है, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन कितना मिला है, अभी तक हमें मिला है 90,000 प्लस 3,750, तो लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन है 93,750, ये भी पे करना है। और हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में इधर लिखती हूँ अनसिक्योर्ड, ऐसे नीचे भी लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनसिक्योर क्रेडिटर्स कितना है 15 लाख। अभी देखो हमारे पास कितना पैसा बचेगा, नहीं तो एक काम करो ये रहने दो, पहले ये सब माइनस करके बताओ कि हमारे पास कितना पैसा बचता है, सो अमाउंट लेफ्ट ये सब माइनस करो, 45 लाख उसमें से 50,000 माइनस किया, 15 लाख माइनस किया, 1,25,000 माइनस किया, 93,750 माइनस किया, हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट नाउ,
ये पूरा माइनस करने के बाद अमाउंट लेफ्ट इज 27,31,250. इज इट करेक्ट? चेक. 27,31,250. तो इतना पैसा अभी भी हमारे पास बचा है, तो ये पैसे से हम आराम से वी कैन पे सी सफिशिएंट अमाउंट इज अवेलेबल. सफिशिएंट अमाउंट इज अवेलेबल टू पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स देयरफॉर लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन on payment to unsecured creditors is equal to कितना पे करना है, कितना रेमुनरेशन देना है, 3% of 15 lakh. कितना होता है देखो, how much is the unsecured creditors, it is 15 lakh. Unsecured creditor is 15 lakh. अगर suppose हमारे पास इतना पैसा नहीं बचा रहता, अगर assume करो for example ये 27,31,250 के बदले हमारे पास सिर्फ बचा होता, suppose for example 10 lakhs, हमारे पास बचा होता सिर्फ 10 lakhs, या अनसिक्योर्ड का जो हम अनसिक्योर क्रेडिटर्स पूरा नहीं पे कर सकते उतना पैसा बचा है. सो यहाँ पे तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है अनसिक्योर क्रेडिटर्स पे करने के लिए. लेकिन अगर कभी ऐसा सिचुएशन रहता कि सारा एक्सपेंसेस पे करने के बाद अनसिक्योर क्रेडिटर्स पे करने के लिए हमारे पास sufficient amount नहीं है, unsecured creditors is a 15 lakh, but we are having amount lesser than 15 lakh, but we are having amount lesser than 15 lakh, तो हमारा formula ऐसा रहता था, what the formula would have been, 15, जो भी amount बचा है, amount left, जैसे for example, amount हमारे पास बचा है, suppose 15 lakh नहीं है, 13 lakh है, हमारे पास 13 lakh अमाउंट बचा है, इनटू कितना परसेंट कमीशन, 3% कमीशन देना है, डिवाइड बाय 100 प्लस द रेमुनरेशन परसेंटेज, यहाँ पे रेमुनरेशन 3 है तो 3 103 हो जाएगा. अगर रेमुनरेशन 2.5 रहता तो 2.5 अपॉन 102.5. अगर रेमुनरेशन 10% रहता तो 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 10 दैट इज 110. मतलब द फॉर्मूला, व्हेन हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो फॉर्मूला है जितना अमाउंट अवेलेबल है टू पे द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जितना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, अमाउंट अवेलेबल फॉर्मूला विल बी अमाउंट अवेलेबल इनटू परसेंटेज, रेमुनरेशन परसेंटेज इनटू रेमुनरेशन परसेंटेज इनटू रेमुनरेशन रेमुनरेशन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस रेमुनरेशन परसेंटेज. दिस विल बी द फॉर्मूला. ये मैं इसकी ऐसा हम लोग एक सम अभी लेंगे, नेक्स्ट सम,
जिसमें हमें ये फॉर्मूला अच्छे से वी विल अंडरस्टैंड. सो दिस इज द फॉर्मूला आई हैव जस्ट पुट इट इन विद द ब्रैकेट एंड नाउ ये कितना आ रहा है. अभी तो हमारे पास सफिशियंट अमाउंट अवेलेबल है तो हम पूरा 15 लाख पे कर सकते हैं. मतलब हम जितना अमाउंट अनसिक्योर क्रेडिटर्स का पे कर सकते हैं उतना ही अमाउंट पे लिक्विडेटर को रेमुनरेशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा. यहाँ पे हम हमारे पास पैसा है तो हम पूरा 15 लाख पे कर सकते हैं तो पूरा 15 लाख के ऊपर रेमुनरेशन मिलेगा लिक्विडेटर को. तो हम क्या करेंगे, लास्ट हमारा यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो गया. अब हम यहाँ पे आ जाएंगे 15 लाख. 15 लाख इज द अमाउंट जो हम अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पे करने वाले हैं. उस पे 3% कमीशन विच इज इक्वल टू 45,000. तो यहाँ पे हम या तो ऐसे बोल सकते हैं, वो तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है. वर्किंग नोट कहाँ देखना है, वर्किंग नोट में देखना है क्यों हम ये अमाउंट ले रहे. नहीं तो जितना अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पे करेगा लिक्विडेटर, अनसिक्योर क्रेडिटर्स को जितना भी पे करेंगे उस, क्योंकि अनसिक्योर क्रेडिटर्स को हम सबसे लास्ट में पे करते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को. दैट ऑर्डर ऑफ पेमेंट आई हैव डिस्कस विद ऑल ऑफ यू लास्ट टाइम. सो ये होने के बाद हमें पूरा कमीशन आ जाएगा. फिर टोटल रेमुनरेशन कितना होता है, ऐड ऑल ऑफ देम, ऐड करो सबको तो टोटल रेमुनरेशन आ जाएगा 90,000, 3,750 and 45,000 विच इज कमिंग टू 1,38,750. So this is the commission payable to liquidator. This is the commission payable. Total remuneration. So we have got the total remuneration payable to the liquidator. यही question में पूछा था, which we are able to find out with this. This sum is done. Now we will do the next sum. A liquidator is entitled to receive remuneration at 2% of the assets realized. So, jitna asset realized hoga, uska 2% hum yahan pe diya hua hai asset realized ke upar 2% hum commission liquidator ko कमीशन मिलेगा. सी वन मोर थिंग, यहाँ पे हमने क्यों लास्ट में ऐसे सफिशिएंट अमाउंट निकाला अनसिक्योर क्रेडिटर्स के लिए, वो इसके लिए क्योंकि अनसिक्योर क्रेडिटर्स हम सबसे, ये जितने भी लाइबिलिटीज हमें दिया है इसमें हम अनसिक्योर क्रेडिटर्स को सबसे लास्ट में सेल करते हैं. तो सबसे लास्ट में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे पास कैश अवेलेबल है कि हम इसको पूरा पे कर सकते हैं 15 लाख को. तो इसलिए हमने देखा कि हमारे पास असेट रियलाइज था 45 लाख, जिसमें हमने पेमेंट किया लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को 50,000, सिक्योर क्रेडिटर्स को 15 लाख, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को 1,25,000. फिर लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और असेट सेल होने के ऊपर लिक्विडेटर को जो कमीशन मिलता है वो तो उसको मिलेगा ही, वो भी माइनस किया तो हमारे पास अभी भी 27,31,250 बाकी है, विच इज मोर देन, वेरी मच मोर देन 15 लाख विच हैज टू बी पेड टू द अनसिक्योर क्रेडिटर्स. सो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है टू पे द अनसिक्योर क्रेडिटर्स. तो हमें है तो हम पूरा 15 लाख पे कर सकते हैं 27,31,250 में, तो पूरा पे कर सकते हैं. तो
हमें पूरा 15 लाख के ऊपर लिक्विडेटर को 3% का कमीशन मिलेगा, विच इज इक्वल टू 45,000. सो वी गेट द टोटल रेमुनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर, विच इज आस्क इन द क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल रेमुनरेशन पेएबल टू द लिक्विडेटर. जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, अगर हमारे पास 27 लाख नहीं, हमारे पास 13 लाख होता, तो हम पूरा 15 लाख अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पे नहीं कर सकते थे. तो हम जितना पे कर सकते हैं उतने अमाउंट पे हम रेमुनरेशन पे करते लिक्विडेटर को, ऐसा वाला सम अभी हम देखते हैं यहाँ पे. देन यू विल गेट द आइडिया ऑफ द सेकेंड टाइप. सी, लेट अस कम टू द थर्ड सम नाउ. अ लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन एट 2% ऑफ द असेट्स रियलाइज्ड. असेट, जितना भी असेट को बेच के पैसा आएगा उसका 2% का कमीशन मिलेगा लिक्विडेटर को, एंड 3% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. सो रेमुनरेशन यहाँ पे लिक्विडेटर को कैसे मिलेगा, जितना भी वो असेट सेल करेगा उसके ऊपर 2%, एंड जितना भी अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट होगा उसके ऊपर 3% का कमीशन विल बी पेएबल टू द लिक्विडेटर. असेट रियलाइज 25 लाख, तो असेट रियलाइज कितना हुआ, असेट रियलाइज इज 25 लाख. तो असेट रियलाइज के ऊपर क्या होगा, असेट रियलाइज के ऊपर तो कितना परसेंट लिक्विडेटर को मिलने वाला है, 2% कमीशन. अगेंस्ट विच पेमेंट वॉज मेड एज फॉलोस. 25 लाख में हमने क्या पे किया, लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया 25,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे किया 75,000, सिक्योर क्रेडिटर्स पे किया 10 लाख. कैलक्युलेट द अमाउंट पेएबल एज रेमुनरेशन टू द लिक्विडेटर. तो यहाँ पे अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे रेमुनरेशन पेबल, रेमुनरेशन पेबल टू द लिक्विडेटर. लिक्विडेटर इज अ पर्सन who is appointed by the company to undergo the procedure of, to supervise, to monitor to the procedure of liquidation. So here usko remuneration milega asset realized ke upar kitna percent, 2%. So yahan pe likhte hain 2% on asset realized, jitna bhi asset hum realize karenge उसके ऊपर 2%. तो असेट रियलाइज हो गया 25 लाख, उसके ऊपर 2%, उसके ऊपर 2%. सो हाउ मच इट इज कमिंग टू, 2% कैलकुलेट करो, 2% 25 लाख का 2% इज हाउ मच, इट इज कमिंग टू 50,000 करें, इज इट कमिंग टू 50,000. So it is coming to 50,000, and then what we have to do, then इसके बाद बोलते हैं unsecured creditors के ऊपर. यहाँ पे preferential creditors है, preferential creditors are also, अब हम नॉर्मली दे आर ऑल्सो अवर क्रेडिटर्स ओनली ना, तो यहाँ पे उनके ऊपर कुछ अमाउंट दिया है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज एनीथिंग गिवन अबाउट द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. सो देखो यहाँ पे हमें दिया है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इज 75,000. सो हम क्या करेंगे, सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी इनको हम प्रेफरेंस देते हैं. हु आर द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, these are the creditors who whom we prefer give preference during payment, but
preferential creditors also are unsecured creditors only. Preferential creditor जैसे for example employees dues, government dues, ये सब भी तो है तो unsecured creditors ही. और question में बोला गया है कि unsecured creditors के ऊपर हमें 3% का कमीशन देना है, 3% का लिक्विडेटर को कमीशन या रेमुनरेशन देना है. सो 3% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है, 75,000 है, उसके ऊपर 3% कितना हो जाएगा, 2250. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये होने के बाद अभी हमें कमीशन पे करना है टू द 3% कमीशन पे करना है ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट नहीं दिया है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट नहीं दिया है. देखो जब तक हमने यहाँ पे एक और चीज मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, दिस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हमने क्यों 3% कमीशन दिया, बिकॉज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर ऑल्सो अनसिक्योर क्रेडिटर्स टिल सी अनलेस स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड. That is, commission has is calculated on payment to preferential creditors. Because यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोला है कि preferential creditors को कोई दूसरा commission का percentage या उनको unsecured creditors में consider मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया. वैसे तो preferential creditors are also unsecured creditors, ये भी तो creditors ही है और ये भी कोई security लेकर हमने इनको इनसे उधार लेके कुछ security रखा है, ऐसा नहीं है. They are not secure creditor, they are unsecured only. इनके ऊपर भी कोई security नहीं है, but इनको preference क्यों मिलता है? Because we say that preferential creditors have to be given preference on payment, like employee due, government due. हमने जब piecemeal distribution किया था, तभी भी हम government due होगा, employee due होगा, तो उनको payment में preference देते थे. बराबर, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट में प्रेफरेंस मिलता है. तो यहाँ पे हमने उसके ऊपर भी, बिकॉज नथिंग इज टोल, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में 3% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटर अमंग द अनसिक्योर क्रेडिटर्स. अनसिक्योर क्रेडिटर्स के ऊपर 3% का रेमुनरेशन मिलना चाहिए, ऐसा बोला है क्वेश्चन में. तो इसलिए हम लोग ने बिकॉज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर ऑल्सो अनसिक्योर्ड ओनली, अनसिक्योर क्रेडिटर्स का ही वो पार्ट है, तो उनको भी 3% में हमने कमीशन दिया. अभी हमें अनसिक्योर क्रेडिटर्स का कमीशन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट में जाएंगे. और यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट और ध्यान देने वाली चीज़ है. देखो अनसिक्योर क्रेडिटर्स का अमाउंट नहीं दिया, पिछले सम में अनसिक्योर क्रेडिटर्स 15 लाख है, हमें पता था. ये सम में हमें मालूम नहीं है कि अनसिक्योर क्रेडिटर्स कितना है. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल अमाउंट रियलाइज कितना है, टोटल अमाउंट रियलाइज, हाउ मच इज द टोटल अमाउंट रियलाइज, हमें 25 लाख मिला है. इसमें से हम लेस किसको पे करेंगे, पेड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. सिक्योर क्रेडिटर्स को कितना पैसा पे किया, सिक्योर क्रेडिटर्स को हम 10 लाख पे करने वाले हैं, 10 लाख पे करेंगे. फिर उसके बाद इसको पे करेंगे, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करते हैं. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हाउ मच, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इज 25,000. फिर इसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे किया है,
a year paid to preferential creditors. कितना पे किया है? 75,000 पे किया है. फिर कमीशन जो लिक्विडेटर को दिया है वो देखते हैं. रेमुनरेशन टू लिक्विडेटर, रेमुनरेशन टू लिक्विडेटर कितना रेमुनरेशन है? 50,000 प्लस 2250. दोनों को ऐड करेंगे तो अभी तक हमें इतना रेमुनरेशन मिला है. ये भी पे करेंगे तो कितना पैसा बचेगा? हाउ मच इज द अमाउंट लेफ्ट? अमाउंट कितना अमाउंट लेफ्ट है माइनस करने के बाद? देखो कितना अमाउंट हमें मिला है. ये पूरा माइनस करने के बाद हमारे पास बचा है 13,47,750. चेक वेदर यू आर गेटिंग दिस अमाउंट. ओनली 25 लाख में से ये सब अमाउंट माइनस किया तो इतना बचा है. तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्रॉस अमाउंट पेबल टू किसको बचा है अभी? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. ऐसा क्यों? देखो अभी हमें अनसिक्योर क्रेडिटर्स का अमाउंट नहीं दिया तो हमें पता नहीं है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है. तो हम क्या करेंगे, जो हम मानेंगे कि ये शायद अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पूरा नहीं पे कर पा रहे, तो जितना अभी असेट रियलाइज करके जितना अमाउंट बचा है ये इतना ही हम अमाउंट अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पे कर सकते हैं. अगर अनसिक्योर क्रेडिटर इससे ज्यादा है तो हम उतना नहीं पे कर सकते. हमारे पास जितना पैसा बचा है हम उतना ही अनसिक्योर क्रेडिटर्स को दे सकते हैं. तो कमीशन कैसे निकालेंगे? लिक्विडेटर्स कमीशन कैसे निकालेंगे? लिक्विडेटर्स कमीशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर क्रेडिटर्स. सो हमारे पास कितना अमाउंट है? मैंने इधर फॉर्मूला लिखा है. देखो अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट अवेलेबल है 3,47,750 इनटू कितना रेमुनरेशन परसेंटेज दिया है. अमाउंट अवेलेबल इनटू रेमुनरेशन परसेंटेज 3 है, डिवाइड बाय 100 प्लस रेमुनरेशन परसेंटेज जो कि 3 है. 100 प्लस 3 इज 103. तो करो कितना अमाउंट आ रहा है. सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन हम पूरा, जब हम जो जिसको पे करना है उसको पूरा अमाउंट पे नहीं कर सकते. तो जैसे इससे पहले सम में 15 लाख पे करना था अनसिक्योर क्रेडिटर्स को और हमारे पास 15 लाख था तो हमने 15 लाख इंटू 3% किया. बट यहाँ पे भी अज्यूम करो शायद 15 लाख पे करना था लेकिन क्योंकि अमाउंट तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स का दिया ही नहीं है तो हम लोग मानते ये जो अमाउंट है ये पूरा अमाउंट नहीं है अनसिक्योर क्रेडिटर्स का. तो हम इतना ही अमाउंट पे कर सकते हैं. जब हम पूरा अमाउंट नहीं पे कर सकते तो जितना अमाउंट पे कर सकते हैं उसके ऊपर कमीशन ऐसे निकालना है, द अमाउंट अवेलेबल इनटू परसेंटेज ऑफ रेमुनरेशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ रेमुनरेशन. सो ये हो जाएगा. तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 13,47,750 इंटू 3/103 कितना आ रहा है? देखो सी हाउ मच यू आर गेटिंग. कितना आ रहा है कमीशन? 39,255 आ रहा है. ये अमाउंट आ रहा है 39,255. See this, 13,47,750 into 3 divide by 103. हमें मिलता है 39,254
0.8, 0.8 है तो 54 को हमने 55 कर दिया. सो दिस इज द एज पर वर्किंग नोट अनसिक्योर क्रेडिटर्स को देंगे 39,255. सो ये पूरा करने के बाद हमें टोटल आ जाएगा. सो दिस विल बी द टोटल रेमुनरेशन टू द लिक्विडेट सॉरी टू द लिक्विडेटर. सो ऐड करो पूरा. हाउ मच यू गेट? 91,505. With this sum is also done. Thank you very much everyone. See here a small correction. यहाँ पे मैंने गलती से 2250 लिखा था, but it is not 2250, it is 50,000 plus 2250 is 52,250. So there was a small error. It is 52,250. Please note this correction. With this, I will end this lecture. Thank you very much.